नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर कलह लगातार जारी है। अमन बजाज के बाद मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है। पटवारी की टीम में दोनों ने सचिव पद लेने से इनकार किया। कमलनाथ की कार्यकारिणी में महासचिव थे अमन। सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद मोनू सक्सेना का बयान सामने आया। खड़गे और राहुल जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे, ये कहा गया है उनकी ओर से। कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमेशा रहेंगे। तो कांग्रेस की नई कला जो है वो सामने आ गई है सतह पर। कार्यकारिणी का यहां पर गठन किया गया करीब 10 महीने बाद, और कार्यकारिणी के गठन के साथ ही देखिए कला की तस्वीरें जो है वो अब देखने को मिल रही है। अमन बजाज के बाद मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दिया है। पटवारी की टीम में दोनों ने सचिव पद लेने से इनकार कर दिया। कमलनाथ की कार्यकारिणी में महासचिव थे अमन। सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद मोनू सक्सेना का भी बयान सामने आ गया। मोनू सक्सेना ने कहा कि खड़गे और राहुल जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमेशा रहेंगे, ये बात कही गई है मोनू सक्सेना की ओर से। तो इसके पहले अमन बजाज ने इस्तीफा दिया था और अब मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दिया है। पटवारी की टीम में दोनों ने सचिव पद लेने से इनकार कर दिया है। तो कार्यकारिणी का ऐलान हुआ कांग्रेस का, और इस नई कार्यकारिणी पर कलह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। भोपाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 10 महीने बाद कार्यकारिणी का ऐलान किया गया कांग्रेस की ओर से। अमन बजाज के बाद अब मोनू सक्सेना ने भी इस्तीफा दे दिया है और दोनों ने ही सचिव पद लेने से इनकार कर दिया है। अमन बजाज कमलनाथ की कार्यकारिणी में महासचिव थे और इस बार उन्हें सचिव पद दिया गया था इस कार्यकारिणी में, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। मोनू सक्सेना ने भी इस्तीफा दिया है और कांग्रेस के नेता मोनू सक्सेना खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका, और पहला सवाल यही होगा कि इस्तीफा दिया गया है आपकी ओर से, वजह क्या? सचिव का पद आपको दिया गया था, क्या संतुष्ट नहीं? सोनाली जी, क्या है, मैं मोनू सक्सेना छात्र राजनीति में ही कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के छात्र, मैं एनएसयूआई हमारी विंग होती है उससे जुड़ा, फिर यूथ मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट रहा, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में अभी हाल ही में मैं अध्यक्ष था, और बड़े बड़े पदों पर मैंने रखे 12 स्टेट्स में काम किया है, और राहुल गांधी जी के संदेश को, सोनिया गांधी जी के संदेश को, गांधी परिवार की, गांधी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया नौजवान साथियों के लिए। लेकिन ऐसे में ही जब हम 2003 से लगातार रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं, आज तक मेरे जीवन में मुझ पर 58 केस लगे हैं धरना प्रदर्शन आंदोलनों के, हजारों बार जेल गया हूँ, हजारों लाठी डंडे खाए हैं, अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े बड़े आंदोलन मूवमेंट किए हैं, लेकिन आज वही हमारे संघर्ष को अगर सम्मानजनक पहचान नहीं मिल पाएगी, हमारे संघर्ष को सम्मान नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ नौजवान साथियों के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए सुरेश पचौरी के इशारे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़े बड़े पदों से नवाजा जा रहा है लोगों को, उनके चेले चहेतों को, जो चेले चहेते यहाँ छूट गए हैं, उनने छोड़ के गए हैं कांग्रेस को मिटाने के लिए, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, उनको बड़े बड़े पदों पर नवाज दिया गया सुरेश पचौरी के इशारे पर, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो सम्मान मिल रहा है। नहीं तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सुरेश पचौरी के इशारे पर कांग्रेस में जो यहाँ पर पद दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, तो क्या जीतू पटवारी से आपने इसे लेकर शिकायत की? कि सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके कांग्रेस का संचालन कर रहे हैं, ये कांग्रेस के हम नौजवान साथियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी की बड़ी मंशा थी कि मध्य प्रदेश में नौजवान साथी को अवसर मिला है तो कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस की दिशा और दशा बदलने जा रही है, बड़े चिंता का विषय, क्योंकि हमने लगातार 20 साल रोडों पर आंदोलन किया है और हम गांधी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के मोहब्बत की बात की संदेश को नौजवान साथियों के अधिकारों को, महिलाओं के अधिकारों को, किसानों के अधिकारों को घर घर तक, और भारतीय जनता पार्टी की नाकारा निकम्मी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन और जग जाहिर आंदोलन कर रहे हैं, हजारों बार में हम लोग जेलों में गए, लेकिन आज वही भारतीय जो सुरेश पचौरी आज तक एक चुनाव नहीं जीता उसको कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बना के बिठाया था, आज वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहां से भी कांग्रेस का संचालन कर, उनके जितने भी चेले चपाटे थे वो सब बड़े बड़े पदों पर नवाज दिए गए। नहीं तो यहाँ पर कांग्रेस की भी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है कि
जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, अगर वो आपके संगठन को संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों में अंदरूनी भी जो साठगांठ होनी चाहिए वो नहीं है, कोई कमी है, कोई चूक हो रही है कांग्रेस के नेताओं से? ठीक है, एक बार भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी जुड़े हैं। यशपाल सिसोदिया जी, सुरेश पचौरी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो आपकी पार्टी में बैठकर कांग्रेस का संचालन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और जो कलह स्थिति कार्यकारिणी पर देखी जा रही है उस पर क्या रिएक्शन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों को और नीतियों को स्वीकार करते हुए न केवल सुरेश पचौरी जैसे अनेक वरिष्ठ नेता जो सांसद रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं और एक बड़े पदों पर रहे, वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। खुद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में मंत्री होकर के और बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर क्यों आरोप लगा रही है? कांग्रेस को अपना परिवार चलाना आ नहीं रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में बेच करके सुरेश पचौरी जी कांग्रेस को चला रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब हो कि कांग्रेस को चलाने वाला कोई नहीं क्या? आप खुद ही अपने आप को शब्दों में बयानों में घिरते नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी जी बड़ा दम भर रहे थे कि कार्यकारिणी छोटी होगी दिखाने के लिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और पहली सूची संक्षिप्त करी और बड़ा दम भर रहे थे कि बहुत छोटी कार्यकारिणी हमने बनाई है। और कल क्या हो गया? रात को फिर जंबो जेट बना दिए। ये असंतोष का जो जहर उगल रहा है, जहर पैदा हो रहा है, और जिस प्रकार से असंतोष इंदौर जैसे महानगर से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, इधर नियुक्तियां हो रही है और इधर कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ कर पदों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या हालत है कांग्रेस के संगठन की। जिन लोगों को कांग्रेस में लिया जा रहा है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वो अस्वीकार कर रहे हैं हमको इस पद पर रहना नहीं है, हम तो कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता रहेंगे। कैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता जाहिर तौर पर यहाँ पर चूंकि कला की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे में कांग्रेस पर सवाल भी खड़ा होता है कि चूंकि यशपाल सिसोदिया जी ने जो कि कहा कि यहाँ पर कांग्रेस आखिर चला कौन रहा है, क्योंकि सुरेश पचौरी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में बैठकर कांग्रेस का संचालन कर रहे हैं, तो फिर जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं? तो कई सवाल हैं जो कि इस कलह के बाद खड़े हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।